हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और चलिए, आज दिन भर थोड़ा काम था तो मैं ऑनलाइन नहीं आ सका, आपके कमेंट्स के मैं जवाब नहीं दे पाया, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और चलिए, अभी आज के दिन भर का मैं अपडेट आपको देना चाहता हूँ। बहुत से अपडेट आपको पता भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए ये कुछ अपडेट आपको दे रहा हूँ। तो आज दिन भर का कुछ ये अपडेट है कि जो इसका था, आपका पोर्टल बंद था नीट यूजी का, तो उनका अभी पोर्टल चालू हो गया है। और आप डॉक्यूमेंट, जब तक आप फिज़िकल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया नहीं जाएगा, तब तक आप वो कर सकते हो। तो आपको डेट भी बढ़ाया है उन्होंने, और पोर्टल मैंने खोल के नहीं देखा, अभी अभी चालू हुआ है, तो आप देखिए एक बार जाके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं क्या। दूसरी बात है कि आज उन्होंने आपके फैकल्टी वाइज, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आपको प्रोवाइड किए, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर, आपने देखे होंगे लेकिन फिर भी मैं ये आपको बता रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। और आज दो नोटिस भी कुछ इशू की है सीईटी सेल ने, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो बीएड सीईटी का रिजल्ट लग गया था, उनके स्कोर कार्ड भी अभी पोर्टल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उनका वेब पोर्टल भी खुला है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए, वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या अपडेट है। तो चलिए, नीट अभी अभी उनका वेब पोर्टल उन्होंने चालू किया, और उसमें उन्होंने ऊपर ये नोटिफिकेशन आपको दिया है कि कैंडिडेट कैन अपलोड डॉक्यूमेंट स्टिल फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। तो आपको जब तक बुलाया नहीं जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए, तब तक आप ये कर सकते हो। अगला अपडेट की तरफ जाएंगे। उसी तरह उन्होंने उनके वेब पोर्टल पर आज ये आपको पिछले कट ऑफ प्रोवाइड किए हैं, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। मैंने पूरा देखा नहीं है, तो उस थोड़ा सा सिर्फ मैं आपको देना चाहता हूँ, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिए। उसमें उन्होंने दिया है एफ, तो जो फर्स्ट एडमिटेड है एल, उसमें लास्ट एडमिटेड स्टूडेंट्स का रैंक यस, ये ऑल इंडिया रैंक है, और एम उसको जितने मार्क्स थे वो है। जनरली आप वहाँ से देख सकते हैं, अपने कैटेगरी वाइज उन्होंने वहाँ पे दिया है। तो चलिए, वो आपके रेफरेंस के लिए उन्होंने दिया, उसका लिंक मैं आपको जैसे कि बोला डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो अगला अपडेट है कि आज एक हमें उन्होंने नोटिस दिया है। जनरली ये इसके रिगार्डिंग है कि अगर अपने वेरिफिकेशन, जनरली महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जिन्होंने वेरिफिकेशन या रिवैल्यूएशन के लिए दिया था, और उन किस जिसके कोई कोई लोगों के रिजल्ट आ गया है, किसी किसी का आ रहा है, तो उन्होंने एफसीस को ये बताया है कि आप एफसी में जाकर वो लेटर दिखाया आपने वहाँ पे, तो आपको मार्क्स करेक्ट कर पाएंगे, और जितने हो सके उतने लोगों का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तक आपका वो डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करना चाहते। जब वो ग्रीवेंस पीरियड होता है बीच में फाइनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बीच में, तभी भी आप डॉक्यूमेंट अगर आपके पास आता है तो तब तक हम दे सकते हैं जनरली, लेकिन उन्होंने आपको अपील की है कि जितना जल्दी हो सके आप उतना उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, ताकि जितनी हो सके उतनी करेक्ट वो मेरिट लिस्ट इशू कर सकेंगे। तो अगले अपडेट की तरफ जाएंगे। ये और एक उन्होंने नोटिस दिया था कि जनरली जिन लोगों ने भरते एमएसटी सीटी का जब आप एप्लीकेशन भर रहे थे, तो उस समय बहुत से स्टूडेंट्स का नाम में गलत हुआ था, या फिर उनका कुछ मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम में गलती हुई थी, स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, तो उन लोगों को ज़्यादा ये मत किया जाए, उनको स्पेलिंग ना देखा जाए, उनका अगर थोड़ा सा इधर उधर है, थोड़ा सा नाम में अगर गलती है, तो उनका जो फॉर्म भरा था आपने वो फॉर्म और आपका एप्लीकेशन नंबर आईडी और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी देखकर आपका वेरिफिकेशन करने के लिए बोल दिया है, ताकि आप केवल उसी वजह से आप ना ये कैप राउंड से बाहर ना हो जाए। इसीलिए आपको तो थोड़ी सी जो जिसके नाम में थोड़ा सा एरर था, तो वो इग्नोर किया जाएगा और आपको आगे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग ये एक था, सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये दिया है। तो चलिए, आगे का अपडेट है, जो बीएड की सीईटी हुई थी उनके स्कोर कार्ड अब अवेलेबल है। उनका पीडीएफ में सिर्फ उन्होंने रिजल्ट दिया था, तो उनका इंडिविजुअल स्कोर कार्ड अब अवेलेबल है, यहाँ से आप इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप अपना, और इसी पोर्टल पर, मैं ये पोर्टल भी आप याद रखिएगा, इसी पोर्टल पर आपका आगे का जो कैप एप्लीकेशन होगा यही आपको भरना होगा, और बाकी की जो सिस्टम होगी उनके एडमिशन की तो इसी पोर्टल से होगी, तो आप वो पोर्टल भी याद रख सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है कि देरी से मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ। तो चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ।